Some of the days you just feel so unwell. क्या चाहिए? देखो कैसे पानी पिला रहा। लिया ना भूत का गाना सीखोगे? राम लखन भूखे आछे। गुरमीत मुझे मूल मंत्र जो वो देते रहते हैं वो ये है कि Welcome to the Bina Decodes. Some of the days you just feel so unwell. So means so much. I spoke to you about endometriosis. So painkiller ke alawa uska koi ilaaj nahi hai and you have to kind of continue with that. So ek taraf soch rahi thi chali koi vlog nahi banaungi, koi baat nahi, ek din nahi gaya to kya hua. Fir maine socha let me be real and let me थोड़ा क्रिप करते करते लेट मी शो यू हाउ माई डे गोज। तो सबसे पहले गुरमीत मुझे जो चीज़ हमेशा मतलब मूल मंत्र जो वो देते रहते हैं वो ये है कि बीइंग अ लिटिल रेडी, थोड़ा सा अगर आप रेडी रहते हो इन द सेंस आप सुंदर दिखते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप थोड़ा सा अच्छा लगते हो शक्ल सूरत से, तो आपको अच्छा लगता है। एंड दैट बिगिंस विथ फॉर दैट आई कैन से कि मैं थोड़ा जो भी स्किन केयर कर रही हूँ अभी एक्चुअली लियाना को लेने जा रही हूँ स्कूल। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस काइंड्स। चलिए मैं दिखाती हूँ सम ऑफ द थिंग्स दैट माय रियल रियल स्किन केयर रूटीन। सो द डेज जो मुझे बिल्कुल भी मतलब जीरो मन होता है ना कुछ करो तो भी मैं जो बेसिक स्किन केयर करती हूँ वो है दिस वन, दिस इज द हाइलुरोनिक एसिड फ्रॉम ऑर्डिनरी, बिकॉज स्किन को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। एंड माइंड यू द वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू नो इफ यू लुक गुड यू फील गुड। सो अभी मैं मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, फिर भी जो बेसिक चीज़ें यू नो पढ़ी तो नहीं रहूँगी, बेसिक चीज़ें जो करके मैं निकलती हूँ घर से, निकल इसीलिए रही हूँ क्योंकि आपने देखा मम्मी मेरी तैयार है, मम्मी जा रही है किसी और से मिलने के लिए, उनको मम्मी ने प्रॉमिस किया था। यूजुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती या अगर मैं बिजी रहती हूँ तो मेरी मम्मी जाती है लियाना दिविशा को पिक करने, क्योंकि मम्मी बिजी है आई विल हैव टू गो। ओके सॉरी आई फॉरगॉट टू शो यू, सो दिस इज मैडागास्कर सेंटेला, दिस इज डे क्रीम दैट आई यूज, इट इज प्रोबायोटिक एंड सीका एनरिच क्रीम, सो इट इज गुड फॉर द स्किन्स हाइड्रेशन, स्किन्स गुड हेल्थ, ऑल ऑफ दोज। एंड दिस इज सनस्क्रीन, बायोडर्म सनस्क्रीन, ऐसे लेना पड़ता है, देखिए तीन उंगली सनस्क्रीन, दो बूंद लगा के फायदा नहीं है बिकॉज इट्स नॉट पोलियो ड्रॉप्स, इतना सारा लगाना पड़ता है। ओके एंड अ लिप बाम, ये लिप बाम मैं यूजली यूज नहीं करती हूँ, ये तो होटल से पाया हुआ है, खुला भी नया है, फॉरेस्ट एसेंशियल्स का लिप बाम, खुल ही नहीं रहा, हाथ इज सो स्लिपरी नाउ, बट से यूज एनी लिप बाम बट इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, द लिप फील्स गुड एंड द स्मेल इज ऑल्सो गुड। सो गाइज देखिए स्किन केयर करती स्किन का ना एक अलग फील आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो कमिंग बैक टू इट आई डू अ लिटिल मेकअप, वेरी लिटिल, मैंने ये ब्रश लिया है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रश, जब मैं ट्रैवल करती हूँ इसी को लेके चली जाती हूँ आजकल, दिस इज फोर ब्रश इन टू वन, आई शो यू, अंदर दूसरा छोटे छोटे आई शैडो ब्रशेस है, इस तरफ भी इस तरफ भी, माय हैंड इज सो स्लिपरी इट्स जस्ट नॉट ओपनिंग, क्या ठीक है नाउ आई डू अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप, आई शो यू हाउ। थोड़ा सा मेकअप मैं इस वाइट ब्रश में लिया, इतना ही थोड़ा, एंड नाउ दिस आई जस्ट डैब इट ऑल ओवर माय फेस। कुछ डिफरेंस लग रहा है? नहीं मुझे तो लग रहा है हल्का, जब स्किन एक इवन टोन एक शीन आ जाता है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, मुझे अभी घनघोर मेकअप करना नहीं है। नेक्स्ट आई विल डैब माय अंडर आई अ लिटिल विद
Maybelline Fit Me Powder Compact. I will do a little bit of cheek tint. So this is the Swiss Beauty Creamy Tap Blush. बहुत ही थोड़ा सा मैं लूँगी इसमें and this I'll use on the upper part of the cheek. और मैं इसको dab कर दूँगी. देखिए तो थोड़ा सा मुँह में फेस पे कलर आ गया. ऐसा लग रहा था ना मैं फीकी पड़ गई हूँ. That peakiness is gone. I'll use this L'Oreal Paris's lipstick. मैं आधा तो मेरे फिंगर में ही लग गया. एंड आई डू माई आईब्राउज. यू नो आईब्राउज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द फेस. एक टाइम था बहुत पतली पतली आईब्राउज का ट्रेंड था ड्यूरिंग द 90s. तो उस टाइम पे मेरे आईब्राउज जो मोटे मोटे थे मैं उस टाइम पे प्लक करा करा के बना बना के इतने पतले करा के रखती थी आईब्राउज कि अब मेरे आईब्राउज काफ़ी पतले ही हो गए हैं. मतलब मोटे हैं इस तरफ और इधर इतना मोटा आईब्राउ लेके मैं क्या करूँ. तो उसको भी मैं निकाल देती हूँ और वैसे आईब्राउ मेरे हो गए हैं काफ़ी थिन. तो उसको मैं थोड़ा थिक कर देती हूँ. इन अनदर वीडियो आप लोग को अगर जानना है मुझे लिख के भेजिए. आई गिव यू सम गुड सीक्रेट्स अबाउट आईब्राउज. How they can change the shape of your face and your personality. You can just make your eyebrows differently on different days. Eyebrow is the only thing जिसमें मैं थोड़ा सा 2 minute extra time ले रही हूँ. But otherwise, I am good to go. आज मैंने basic eyebrow ही किया. This is the kind of makeup that I usually do when I go to pick up drop. लियाना देखिए तो जस्ट अ लिटिल बिट हियर एंड देयर एंड आई एम फीलिंग गुड. सो या दैट्स अ सीक्रेट. इवन इफ यू आर फीलिंग टायर्ड नॉट सो गुड लुकिंग एट योरसेल्फ एंड फीलिंग ओह माय गॉड मुझसे ना हो पाई गेट रेडी. जस्ट आपने देखा कितना मेकअप किया इतना सा दो बूंद एंड गेट गोइंग. आई थिंक टुडे इज अ डे जो गुरु विल एंटरटेन मी बिकॉज आई हैव जीरो हिम्मत टू डू whatever. Again in another video I'll talk in details about it situation but I have to get going guys. Chaliye come with me. Let me know aapko kaisa laga ye mera quick skincare makeup reel. A few moments later. Try coconut. Die. Hello, hello, dim sum. Coconut. Hello, dim sum. मैं देख लिया इधर सच्चे में coconut है. Hello. आ नहीं रहा पानी. बहुत अच्छा. Sorry, sorry, sorry. मरना तेरे को डर नहीं लगता? Hello, hello. दिम सम तो. तुम उसके height में हो जाओ. देखो कैसे पानी पिला रहा. मुझे ही पिलाना पड़ेगा. पूरा है देखो छर्र करके गिरा दिया. बोलो लियाना बुलाओ. हाय फाइव मिनट्स लेटर. क्या चाहिए चाचू को बोलो. लियाना कोकोनट वाटर पियोगे? लियाना कोकोनट. लियाना तुम्हारा स्ट्रॉ कहाँ है? स्ट्रॉ 1 2 3 स्टार्ट. ऐसे करो लियाना ऐसे करो. देखो लियाना बहुत सारे बच्चे चिप्स और चॉकलेट्स के लिए रोते हैं. हमारे बच्चे कोकोनट वाटर के लिए रोते हैं. आई थिंक ये अच्छा आइडिया है. ऐसे बच्चे रोए कोकोनट वाटर के लिए कुछ हेल्दी खाने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इसके पीछे किसका हार्ड वर्क है? इसके पीछे मेरा हार्ड वर्क नहीं है. इसके पीछे देविना का हार्ड वर्क. नहीं नहीं यही बोलना सही होगा. लेकिन एक्चुअली हार्ड वर्क है हम दोनों का. हार्ड वर्क नहीं है. उन लोगों ने हमें देखा नहीं ना कभी कुछ चिप्स चॉकलेट खाते हुए. तो
इसीलिए चॉकलेट मांगते हैं, सब लोग हाथ में आके एक्चुअली चॉकलेट थमा देते हैं। आजकल बच्चों के लिए चॉकलेट लाए हैं बोल के, पर बहुत सारे रिलेटिव्स इस बार देखा कि चॉकलेट नहीं लाए और बोला कि हमें पता है ये अनादिविशा को आप चॉकलेट नहीं देंगे तो हम नहीं लेकर आए, इट्स ओके ना। आई सेड ऑफ कोर्स एंड थैंक यू सो मच। तो चॉकलेट बोलने से वो लोग समझते प्रून्स और किशमिश, प्रून्स और किशमिश खाते चॉकलेट बोल बोल के। भूत अमर पूत पेतनी अमर जी राम लखन बुके आछे भयटा अमर की। याना भूत का गाना सीखोगे बोलो बोलो। भूत अमर पूत बोलो, भूत अमर पूत पेतनी अमर जी, पेतनी अमर जी राम लखन बुके आछे, राम लखन बुके आछे भयटा अमर की। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? इसका मैं सब मतलब समझे गुरु? हाँ। क्या राम लक्ष्मण का रामायण हाथ में है, भूखे आचे मतलब सीने में है। अच्छा सीना का बुक बोलते हैं बंगाल बुक, बुक तो इंग्लिश नहीं, बुक मतलब छाती। अच्छा बंगाली बुक मतलब छाती होता है। हाँ। I didn't know, इतने सालों में मैं पहली बार सुना बुक मैंने बुकेर पाठा बोलते है ना, मतलब जिगरा। तो इसका भी मतलब बता, इसके छाती में राम और लखन हो तो उसे डरने की क्या बात है, भूत हो या कूत हो। भूत अमर पूत मतलब भूत मेरा बेटा है, पेतनी अमर जी मतलब पेतनी मेरी बेटी है, और राम लक्ष्मण मेरे मतलब बुक में है तो मेरा भय क्या है। वाओ दिविशा बोलो, भूत अमर पूत पेतनी अमर जी राम लखन बुके आछे भयटा अमर की, भयटा अमर की।